एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन गुड पुष्प ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ। आज आपको मेरा लुक कुछ ज़्यादा बोल्ड लग रहा होगा, उसका रीज़न ये लिपस्टिक है। सूट तो मैं आगे भी ये पहनती हूँ, यूजली मैं इसके साथ लाइट शेड की लिपस्टिक ही लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे ना ये रहने की लिपस्टिक है मेरे पास। ये बहुत ही प्यारा शेड है और इस ड्रेस के साथ ये बिल्कुल भी परफेक्ट जाता है। और ये पता नहीं कहाँ पे रखी हुई थी मैंने, काफ़ी टाइम से मुझे मिल नहीं रही थी, तो कल अचानक से ही मुझे मिल गई। तो फिर आज सामने ही पड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके साथ इसी को अप्लाई किया जाए। बहुत ही परफेक्ट है ये लिपस्टिक और ये ना बिल्कुल भी वो है क्या बोलते हैं उसे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही लिपस्टिक ना जैसे हम चाय वगैरह कप वगैरह पीते हैं ना उसके ऊपर नहीं लग रही। अभी एग्जैक्ट वर्ड मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा और मैं काफी जल्दी में हूँ, नजर का टाइम हो गया है, मैंने उसे लेने जाना है। तो अभी मैं जाती हूँ उसको लेने के लिए, बाकी फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा। आप आज लंच में थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, साथ में मैंने भल्ले बना लिए। और मैंने और नंद ने तो दही भल्ले खाए हैं, पापा को दाल के साथ थोड़े से भल्ले दिए थे और साथ में चपाती दी। और ये मीठी वाली चटनी खजूर की मैं लेके आई थी, ये रेडीमेड ही है, काफी अच्छी है ये भी। तो इसी के साथ इनका स्वाद और भी बढ़ गया। और इस बार मैंने भल्ले बनाए हैं फ्राई करके, नॉन फ्राइड नहीं बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले एक ब्लॉग में दिखाए थे, मैं अप्पे पैन में बनाए थे मैंने वो भले भले, वो भी अच्छे बने थे, लेकिन हमें ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पे मैं आपके साथ ये डीकंस्ट्रक्ट का लिप बाम है, इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर की थी प्रोडक्ट, ये काफी अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पिगमेंट लिप्स हैं तो आप इसको यूज कीजिए, डेली नाइट में आप अप्लाई कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल है। इसका लिंक है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लंच के बाद फिर हम लोग सो गए और नदर उठ गया था जल्दी, तो फिर वो जिद करने लगा नीचे जाने के लिए, मैं उसे घुमाने के लिए ले गई। चाय नाश्ता हमने कुछ भी नहीं लिया। और जब वापस आई तो फिर उसने बोला कि मुझे दलिया खाना है और पापा को बोला दूध का कप ले लीजिए। वो बोले दूध में ही थोड़ी सी पत्ती ऐड कर दो, तो ये उनकी दूध वाली चाय बन गई है। तो पापा के लिए दूध वाली चाय बना दी है, नदर को मैं दलिया खिलाऊंगी अभी, क्योंकि जब वो सो के उठता है उसके बाद वो कुछ नहीं खाता है, बस पानी के एक दो घूंट पीता है, आधा पौना घंटा वो कुछ नहीं खाता है, उसके बाद ही वो खाता है जब वो नीचे घूम के आ जाता है ऊपर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उससे कुछ खिला दूं, पर मैंने देखा है कि वो बिल्कुल नहीं खाता है उस टाइम पे। कभी कभी ना ऐसा बैड डे होता है। आज जैसे कि मैं आज की आपको बात बताऊं, मॉर्निंग में जब मैं नजर को स्कूल के लिए छोड़ने गई तो वहां पे वो भाग रहा था और खुद ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। एक तो भागता बहुत फास्ट है वो, और उसके दोनों जो नीज हैं वहां पे उसके स्क्रैच आ गए, फिर रोने लगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से वहां पे मेडिसिन ली, बीटाडीन दी उन्होंने थोड़ी सी, फिर बोरोप्लस थी वो लगा दी ऊपर। और फिर मैंने इतने में वैन आ गई, फिर मैंने वैन में बिठा के उसको भेज दिया, बोला कुछ नहीं हुआ, कीड़ी का आटा डूल गया, हम ऐसे पंजाबी में बोलते हैं बच्चों को, जब बच्चा गिर जाता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं कि चींटी थी वो आटा लेके जा रहे थे और आप उसके ऊपर गिर गए, तो देखो उसका आटा गिर गया। फिर वो मेरे साथ देखने भी गया उस स्पॉट पे कि हाँ कहाँ पे गिरा है आटा, तो मैंने दिखाया कि यहाँ पे गिर गया, तो फिर वो वही बात रिपीट करता रहा। और स्कूल में भी उसने ऐसा ही कुछ बोला होगा टीचर को, तो वहां से भी कॉल आया है कि मैम नदर के नी पे लगी हुई है चोट, उनको ऐसे होता है कहीं वैन में तो नहीं लग गई या कहीं और तो नहीं बच्चा गिर गया, क्योंकि अभी वो इतना एक्सप्रेसिव भी नहीं है कि बता पाए कि मैं कहाँ पे गिरा हूँ, पता नहीं उसने क्या बताया होगा। तो फिर वो कन्फर्म कर रहे थे, फिर मैंने वो मेरे साथ किया खेलने के लिए, और वहां पे बच्चे प्ले कर रहे थे, तीनों लोग प्ले कर रहे थे, ये भागो भागो ऐसे खेलते हैं एक दूसरे को पकड़ो पकड़ो वाला। तो मैंने नदर को दो तीन बार बोला भी कि आप थोड़ा धीरे भागो, पर वो इतना एक्साइटेड हो जाता है खेलते वक्त कि उसे बस किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, और वहां पे भी उसका बैलेंस बिगड़ा और गिर गया, और वहीं उसके वहीं जैसे घुटनों के बल गिरा वहीं पे चोट लगी होगी, थोड़ा सा तो लगा ही होगा, तो थोड़ा सा।
और थोड़ा सा पैर पे स्क्रैच आ गया, और यहाँ पे हाथ पे ना हथेली पे उसके मॉर्निंग में भी हल्का सा चोट लगा था, रेड रेड सा मुझे लग रहा था, पर ब्लीडिंग नहीं हो रही थी अभी। उसके फिर उसी जगह पे लगा और थोड़ा ज्यादा खून निकला वहां से। तो फिर भी वो बोल रहा कि नहीं अभी मुझे नीचे ही जाना है। मैंने बोला घर चलो, बोला नहीं नीचे जाना है, मैंने खेलना है। मैं बहुत हो गया, खेल लिया आप 1 घंटा आपने खेल लिया, आप चलो आप। आज वो जल्दी उठ गया था 5:30 पे, वरना वो 6 PM तक उठता है और फिर हम 6:30 तक जाते हैं नीचे। तो फिर 7 बज गए थे और मैं ले आई। और घर आके ना मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं आप टीवी देख लो। मैंने पहले उसके मेडिसिन वगैरह लगाई और मैंने बोला कोई बात नहीं आप टीवी देख लो, मैं आपको दलिया खिलाती हूँ। तो बोला नहीं मम्मा पहले मैंने होमवर्क करना है, टीवी में बाद में देखूंगा। यही उसका रूटीन है। और उसने 3-4 बार मुझे मना किया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, तो फिर बाद में आपको, फिर मैं आपको होमवर्क करवा दूंगी। आज ज्यादा होमवर्क नहीं मिला है, 2 नोटबुक का ही मिला है, घर वाला रहने देंगे आज, स्कूल वाला कर लेंगे। तो फिर वो मान गया, अभी वो बैठ के टीवी देख रहा है। और जो मेन बात है वो ये है कि वो अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, पापा की उसे बहुत याद आ रही है, बार बार उनको फोन कर रहा है। सुबह उठते ही बोलता है पापा आ गए, रात को सोते वक्त भी पापा ने सुबह आ जाना है। मिस भी उनको बहुत कर रहा है, फोन पे उनको बोल रहा है, अपनी गिफ्ट की लिस्ट दी हुई है उसने कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, और उसके लिए शॉपिंग हो भी चुकी है। उसके पापा ने उसको जो अपना शॉपिंग बैग है वो दिखा दिया है कि आपके लिए गिफ्ट आ चुके हैं, गिफ्ट नहीं दिखाए हैं अभी। तो वो इतने एक्साइटेड है कि पापा जल्दी आ जाए और मुझे गिफ्ट मिल जाए। बहुत मिस कर रहा है अपने पापा को। और ये है भी फर्स्ट टाइम कि हम इतना दूर हैं एक दूसरे से, नदर भी अपने पापा को इसीलिए ज्यादा मिस कर रहा है क्योंकि 1-2 बार पहले भी पुष्पिंदर गए हैं, तो 2-3 डेज का ही ट्रिप था, और इस बार 7 डेज का ट्रिप हो गया है उनका। उनको 7 डेज हो जाएंगे जब तक वो घर आएंगे, तो वो भी उसको बहुत मिस कर रहे हैं और ये भी मिस कर रहा है। बस जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं और देखते हैं नदर कैसे अपने जो गिफ्ट्स लेता है और कैसे अपने पापा से मिलता है। उसको हमने सोचा है कि उसके लिए सरप्राइज प्लान करेंगे। अभी देखते हैं कि उनकी फ्लाइट की टिकट होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कि कैसे प्लान होता है, क्योंकि टिकट के अकॉर्डिंग ही प्लान होगा, डे में आएंगे या नाइट में आएंगे, कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, ब्लॉग्स तो आते ही रहेंगे, आपको सरप्राइज देखने को जल्दी ही मिलेगा। और आज हमारी मॉर्निंग में बात हो रही थी तो मैंने इनको बोला कि आप थोड़ा सा अपना क्लिप रिकॉर्ड करके भेजना नदर के लिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। मुझे बोलता है मम्मा आप पापा बन के मेरे साथ प्ले करो, आप पापा बन जाओ और मैं नदर हूँ, आप पापा बन के मेरे साथ प्ले करो। फिर मैं उसके साथ प्ले करती हूँ, फिर जैसे उसके पापा बोलते हैं ना कुछ कुछ वर्ड, तो बोलते हैं आप वैसे बोलो। ऐसे मुझसे वो एक्ट करवाता है कि मैं पापा के साथ प्ले कर रहा हूँ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो कितना ज्यादा मिस कर रहा है अपने पापा को। तो फिर मैंने इनको बोला था कि आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके भेजना। तो ये आए होंगे रात को, डिनर टाइम था, तो बोल रहे कि आज मैं डिनर, फिर मैंने रूम में ही ऑर्डर कर लिया था और फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग की। थैंक यू सो मच आप सबका। मुझे इंस्टाग्राम पे एक रील पे 50K मिले हैं व्यूज। थैंक यू सो मच आप सबका जिसने भी वो रील देखी है, आई एम सो हैप्पी। एक पे 20K मिले हैं और एक पे 50K मिले हैं। सो आई थिंक आपको वो मेरा न्यू जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। अगर वो पसंद आ रहा है तो आपको वैसा ही कंटेंट आगे भी देखने को मिलता रहेगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, गुरपुष्प ऑफिशियल। और फेसबुक पे भी हमारा है पेज, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लें। प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बन जाएं। जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होगी ना, मैं एक लाइव भी प्लान कर रही हूँ, एक दिन मैं लाइव भी आऊंगी, देखूंगी अगर पुष्पिंदर भी माने, उनका ऑफ हुआ तो हम दोनों आएंगे लाइव में, वरना फिर मैं अकेले तो बनाऊंगी ही आप सबके लिए, बिकॉज हम 500 की फैमिली है जो कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक 550 हो चुके हैं अभी अभी, तो 550 भी बहुत बड़ा है मेरे लिए नंबर, कि एक एक करके बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली इंक्रीज हो रही है। तो जल्द ही आपके लिए एक लाइव भी आएगा मेरा, और उसके लिए मैं आपको कम्युनिटी टैब में बता दूंगी कि किस टाइम पे मैं लाइव आ रही हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन।